नमस्कार दोस्तों, मैं भूपेन मिश्रा स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के अधिकारी कंटिन्यू गलती कर रहे हैं और उसी सीरीज में एक और नया गलती लेटेस्ट जुड़ा है। क्या गलती है देखिए, सबसे पहला चीज, छत्तीसगढ़ स्टेट इंजीनियरिंग सर्विस का जो एग्ज़ाम हुआ था 89 पोस्ट के लिए, उसमें उसका रिजल्ट आ गया है और रिजल्ट दिए तो हैं, ठीक है, लेकिन बिना संशोधित मॉडल आंसर जारी किए उन्होंने क्या कर दिया है, रिजल्ट आउट कर दिया है। और उसमें लिखा हुआ है, आप सभी को स्क्रीन में दिख रहा है कि 3 गुना जो 266 कैंडिडेट हैं उनको क्या किया जा रहा है, इंटरव्यू के लिए बुलाया जा रहा है, ठीक है। लेकिन एक चीज बताओ, बिना संशोधित मॉडल आंसर जारी किए कोई बंदा कैसे जानेगा कि हाँ मेरा नंबर इतना आ रहा था और मेरा नंबर, जैसे कि अगर आप हमसे भी बात करें, देखो जैसे अगर मान लो CGPSC प्री का एग्जाम की बात करूँ, प्री का एग्जाम होता है, उसके बाद ऐसे ही सेम रिजल्ट आता है, लेकिन उसके पहले संशोधित मॉडल आंसर आता है। उस संशोधित मॉडल आंसर के हिसाब से हम लोग ये कह सकते हैं कि हाँ मेरा नंबर क्या है, इतना नंबर है, इतने वाले का सिलेक्शन हुआ है, तो हाँ इतना के आसपास कटअप गया होगा, एक अंदाजा लगता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, संशोधित मॉडल आंसर जारी ही नहीं हुआ है। अभी देखो CGPSC जो 2020 जो 14 फरवरी का एग्जाम हुआ था, राज्य सेवा वाला, ठीक है, उसमें संशोधित मॉडल आंसर में ही इतने सारे गलती थे जिसकी कोई सीमा नहीं। अब स्टेट इंजीनियरिंग सर्विस का रिजल्ट जारी कर दिया गया है और संशोधित मॉडल आंसर जारी नहीं किया गया है। अब बच्चे इसमें भी तो हाईकोर्ट तो जा भी नहीं सकते, यहाँ तो और कुछ नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि यहाँ तो संशोधित मॉडल आंसर ही नहीं है। CGPSC 2020 जो प्री का एग्जाम है, प्री मेंस वाला, तो उसमें जो प्री का एग्जाम है इसीलिए विवादास्पद है क्योंकि उसने बहुत सारे आंसर को गलत लिया है, क्या संशोधित मॉडल आंसर में, यहाँ तो संशोधित मॉडल आंसर ही गायब है। मेरे को लगता है जो प्रतियोगिता संघर्ष मंच है और भी कुछ कुछ लोग हैं जो CGPSC का विरोध कर रहे हैं, साथ ही साथ हाईकोर्ट में केस लगा रहे हैं, कहीं उनसे ही डर के मारे CGPSC ने ये थोड़ी कर दिया कि नहीं नहीं अब हम लोग संशोधित मॉडल आंसर ही नहीं देंगे, सीधा के सीधा क्या कर देंगे, रिजल्ट दे देंगे। ऐसा कुछ सिस्टम है, एकदम गलत सिस्टम है। आपको संशोधित मॉडल आंसर पहले जारी करना चाहिए था। अब देखो यहाँ से PSC क्या करेगा, मैं आप सभी को बताता हूँ। PSC कल के डेट में एक नोटिस निकाल देगा कि हम भूल गए थे, या क्या कर सकता है, वो बोल देगा कि जो पुराना मॉडल आंसर था वही पूरा का पूरा सही है, किसी में भी हम लोगों ने कोई चेंजेस नहीं किया है, या क्या कर देगा, कल एक संशोधित मॉडल आंसर जारी कर देगा। लेकिन सोचो ये कितना बड़ा गलती है, पहले नियम से आपको संशोधित मॉडल आंसर जारी करना है, उसके बाद आपको रिजल्ट देना है। अब यहाँ पर जो सेलेक्टेड बंदे हैं, यहाँ पर जो 266 लोगों का नाम भी दिख रहा है, उनमें भी कोई कन्फर्म नहीं है ना, आपको पता ही नहीं कि आपका टोटल नंबर कितना बन रहा है, तो आपको इंटरव्यू में कितना नंबर मिलेगा, क्या होगा, उसके हिसाब से कैसे आपका सिलेक्शन होगा, आप लोग खुद भी डिसाइड नहीं कर सकते हो। पहले अगर संशोधित मॉडल आंसर आता तो हाँ आपका कितना नंबर आ रहा है, इंटरव्यू में कितना नंबर मिलेगा, उससे आपका तालमेल बनता है। यहाँ कुछ समझ में नहीं आएगा। और एक चीज बता रहा हूँ, अगला हम सभी बात करते हैं हमारे वर्तमान अधिकारियों की गलती का ही एकदम कंटिन्यू सीरीज, देखो इसको, गौरेला पेंड्रा मारवाही में नया डेडिकेटेड कोविड अस्पताल बनाया जा रहा था, उसका वर्चुअल उद्घाटन किया हमारे किसने, माननीय सम्माननीय श्री भूपेश बघेल जी ने। अब उसमें गलती देखो, सबसे टॉप में देखोगे तो वहां पर तो छत्तीसगढ़ ही गलत लिखा है, उसके नीचे आओगे तो लोकार्पण गलत लिखा हुआ है, और नीचे आओगे तो आप लोग देखो स्वास्थ्य गलत लिखे हैं, महंत गलत लिखे हैं, सांसद गलत लिखे हैं, विधानसभा गलत लिखा गया है, सांसद गलत लिखे हैं, तो कितनी सारी गलतियां एक सिंपल शिलान्यास के लिए जो बोर्ड होता है उसमें गलतियां हैं। साथ ही साथ आप लोगों ने कुछ दिन पहले हमारे जांजगीर चांपा जिले के कलेक्टर सर का एक वीडियो वायरल होते हुए देखा था, जिसमें उनको अपने जिले के कलेक्टर हैं जिस जिले के, उस जिले में टोटल कितने गांव हैं ये उनको नहीं पता था। देखो क्या है, आप छत्तीसगढ़ में क्या माहौल चल रहा है और कैसे कैसे अधिकारियों लोग का माहौल है, मैं तो ये सोच रहा हूँ जब वो समय आएगा जब 97-95% अभी जो दसवीं वालों को मिला हुआ है, बहुत खुश हूं मैं। इनफैक्ट मैं इसमें मेरे को बोलना नहीं चाहिए लेकिन मैं बोल रहा हूँ, मेरे कई सारे परिचित हैं, उन्होंने अपने स्टेटस डाला है 95% लाए हैं, 97% लाए हैं, मैक्सिमम 97 ही हाईएस्ट गया है, बहुत ज़्यादा खुश है। लेकिन एक्चुअल में आपको इस खुशी के साथ साथ ये चीज़ को भी सोचना है, क्या आप उतने परसेंट के लायक थे, और अगर आपका परसेंट इतना आ गया है तो क्या आप अभी भी कंटिन्यू पढ़ाई कर रहे हो? पढ़ाई आपका एक्चुअल में 9th-10th इसका बेस कमजोर हो चुका होगा, 11th-12th इसका बेस बहुत लोगों का कमजोर हो चुका होगा, क्यों? क्योंकि उन्होंने पढ़ा नहीं। साथ ही साथ कई सारे कॉलेज हैं, जैसे कि बहुत सारे इंजीनियर्स निकलेंगे जो कई सारे पूरा बैक 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 ही था उनका, लेकिन अचानक से कोरोना
एकदम भगवान बन के आए और उनका पूरा का पूरा जो बैक होगा वो क्लियर हो गया होगा। तो ये भी जब आगे चल करके कुछ बनेंगे तो भी एक बड़ा ही संकट का ही समय रहेगा, क्योंकि अभी तो जब सब अच्छा था तब ऐसे अधिकारी मिल रहे हैं, और जब कोरोना के कारण से अच्छे अच्छे मार्क्स ला करके अगर कोई अधिकारी बनेंगे उस समय छत्तीसगढ़ का क्या हालत होगा, भगवान ही जाने। आज का वीडियो यहीं तक था। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।